ओम शांति नगर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा ने आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे करने पर सरकार की उपलब्धि को विधिवत गिनाया। वहीं विधायक ने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धि को पत्रकारों के सामने गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान भारत योजना सहित अन्य योजनाओं के बखान करते हुए मीडिया के समक्ष मुखातिब हुए। वहीं विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उज्ज्वला ने आज बहन बेटियों को चूल्हा नहीं जलाना पड़ रहा है, वे गैस पर खाना बनाकर धूप से बच रही हैं और आत्मनिर्भर बनते हुए जो समय बचता है उसे काम करके घर का भरण पोषण कर रही हैं। आजीविका मिशन से हमारी बहन बेटियां सशक्त हुई हैं। खुले में शौच कोई न जाए इसके लिए गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया। जिसके पास भूमि ना हो उसके लिए इज्जत का घर निर्माण कराया गया। गरीबों को छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया गया। आज गांव-गांव पूरे देश का सपना अपना घर निर्माण हो रहा है। उस घर में निःशुल्क विद्युतीकरण भी किया जा रहा है। डबल इंजन की घर का भरण पोषण कर रही हैं। वहीं आजीविका मिशन से हमारी बहन बेटियां सशक्त हुई हैं। जानकारी है देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे हुए हैं और इन 9 वर्ष की उपलब्धियां जब से देश आज़ाद हुआ है उन सभी शासन कालों को अगर हम जोड़ लें तो उसकी तुलना में 9 वर्ष भारी है। गरीब हितैषी, विकास परक, आम जन के दिल को छूने वाले और हिंदुस्तान की दुनिया में साख और धाक दोनों को बढ़ाने वाले इन 9 वर्षों में जो हिंदुस्तान में मुकाम हासिल किया है इसको केवल हिंदुस्तानवासी ही नहीं, हिंदुस्तानवासी जो विदेशों में रहते हैं और विदेशी जो हिंदुस्तान की गति और प्रगति के बारे में जो जानकारी रखते हैं, ऐसे सभी लोग मानते हैं कि यह जो 9 वर्ष हैं ये स्वर्णिम 9 वर्ष हैं हिंदुस्तान के। ये जो आधारभूत ढांचा हिंदुस्तान का इन 9 वर्षों में तैयार हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, वह आगे आने वाले जब हिंदुस्तान अपने आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा 2047 में, तो उसमें जो भव्य इमारत बन के तैयार होगी वह दुनिया की सबसे बेहतरीन इमारत, बेहतरीन अर्थव्यवस्था और दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क के रूप में हिंदुस्तान जाना जाएगा। उसकी जो फाउंडेशन, जो उसकी आधारशिला इन 9 वर्षों में रखी गई है उसको लेके हम सभी लोग अपनी विधानसभा में, सांसद जी लोग अपनी लोकसभा में, ऐसे हर क्षेत्र के माध्यम से, जनप्रतिनिधि आपके सहयोग से, मीडिया के मित्रों के सहयोग से, क्योंकि आप ही एक ऐसा पक्ष है, एक ऐसा आधार है जो हमारी बात जनता तक पहुंचाने का माध्यम है, तो आपके माध्यम से इन 9 वर्षों की उपलब्धियों को जनता के बीच में, क्योंकि जनता इस बात से सहमत है और जनता इसका आनंद भी ले रही है, लेकिन समय समय पर याद कराना ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेवारी है, तो उस जिम्मेवारी के तहत हम यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं। आपका ये दायित्व तो है कि आप इन 5-9 सालों में जो देश ने उपलब्धियाँ हासिल की हैं गरीब कल्याण को लेके, सुशासन को लेके, विकास को लेके, उन सारी चीज़ों को जनता के बीच में आप निश्चित रूप से पूरी पारदर्शिता के साथ में आप उनको रखेंगे। झांसी से UD News के लिए सोनू साहू की रिपोर्ट।